क्लीन बनाया है। जैसे कि हमारे जो नॉर्मल प्लेन्स होते हैं वो फ्यूल्स पे रन करते हैं, पेट्रोल्स पे, केरोसिन पे, एक्सेट्रा पे, जो कि बहुत ज़्यादा इमिशन क्रिएट करते हैं और जो हमारे अर्थ के लिए हार्मफुल है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन यूज़ करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये सब देखने के बाद हम लोगों ने सोचा कि एक इलेक्ट्रिक प्लेन का भी बनाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सभी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जैसे कि बाइक्स हो गए, कार्स हो गए, साइकिल्स हो गए, वो सब इलेक्ट्रीफाइड होते जा रहे हैं, लेकिन प्लेन्स पे बहुत कम ध्यान जा रहा था। तो क्यों ना हम लोग इस पे भी काम करें और क्यों ना इस पे इंडिया सबसे पहले बाजी मारे। तो हम लोगों ने सोचा कि एक इलेक्ट्रिक प्लेन की नींव रखते हैं और इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर इस पे हम लोग काम नहीं करेंगे तो और इम्प्रूव नहीं होगा। जैसे बैटरी प्रॉब्लम्स है या फिर ड्रैग का प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले हमारे फोन से कॉल कर पाते थे, अब हम वीडियो कॉल भी कर पा रहे हैं। तो अगर इस पे काम नहीं किया जाएगा तो फिर तो होगा ही नहीं कभी। तो इस पे काम करना हम लोग को स्टार्ट कर देना चाहिए। और जैसे कि हमारा रिसर्चर्स कहते हैं कि 2060 या 2070 तक हमारे रिजर्वर खत्म हो जाएगा फ्यूल का, मतलब हमारे पास पेट्रोल नहीं बच पाएगा, क्योंकि पेट्रोल पर शॉर्टेज हो जाएगा, या तो कॉस्टली हो जाएगा या तो कोई एक्सेस ही नहीं करेगा। तो यही सब सोचते हुए हम लोगों ने सोचा कि एक इलेक्ट्रिक प्लेन कब बनाया जाए और इस पर जितना वर्क हो सके, जितना अपग्रेड्स हो सके और जितना फंक्शन बढ़ाया जा सके उतना कर सके। और हमारा मेन थीम है इसमें कि कार्बन रिड्यूस करना। एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को छोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर उससे भी खत्म कर दिया जाए तो क्लीनेस्ट सिटी हो जाएगी हमारे, क्लीनेस्ट वर्ल्ड में हम लोग इंडिया नंबर पे आ जाएगा कि हम लोग क्लीन है, सभी तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जितने भी हैं सब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करके चलाते हैं। और हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सोर्स ऑफ एनर्जी की कमी है नहीं, राजस्थान हो गया, केरला हो गया, सभी जगह पे काफ़ी पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, उसके बाद उससे चार्ज करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। इससे चीप हो जाएगा, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। पहले जो प्राइस 10,000 रुपये के आते थे वो 3,000-4,000 रुपये में ही आ जाएगी, 50% ड्रॉप डाउन हो जाएगी। तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक प्लेन को इकोनॉमिकल स्केल अप कैसे करके, जितना इकोनॉमिकल स्केल अप होगा या फिर मिलिट्री स्केल अप होगा तो बहुत फ़ायदा होगा हमारे। और बैटरी की प्रॉब्लम रहे तो हम लोग आगे जाके प्लाज्मा बैटरी पे भी वर्क कर सकते हैं। और अगर हमें फाइटर जेट्स बनाने जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से चले तो इससे नहीं ले सकते, वो प्रोपेलर से हम लोग सुपरसोनिक स्पीड नहीं ले सकते, इसके लिए हम लोग को प्लाज्मा इंजन पे जाना पड़ेगा। और चाइना इस पे काम कर रहा है लेकिन वो अभी सक्सेसफुल नहीं है। तो अगर हम लोग इसको पहले करते हैं तो प्लाज्मा इंजन में भी हम लोग का डेवलपमेंट हो सकता है, और प्लाज्मा इंजन हम लोग अच्छा खासा स्पीड ले सकते हैं सुपरसोनिक स्पीड से ज़्यादा, लेकिन प्लाज्मा इंजन काफ़ी कॉस्टलियर आएंगे क्योंकि रिसर्च अभी बहुत बाकी है उसमें। तो लेकिन फिर भी अगर हम लोग को इकोनॉमिकल स्केल पर चाहिए तो ये काफ़ी सही मॉडल रह सकता है हमारे लिए, बस इसको इनलार्ज करने की ज़रूरत है। उसमें कुछ अपग्रेड्स जैसे कि मेटल बॉडीज़, कार्बन फाइबर प्रोपेलर्स और कुछ एक्स्ट्रा फ्लाइट कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे ये और सेफ हो जाए और बेहतर बन सके। अब इसका आप डेमो दिखाइए। ये इसका रिमोट है चाहिए जिससे हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे। इसका रेंज लगभग 1-2 किलोमीटर के बीच में होता है इस ट्रांसमीटर का। इससे भी बढ़िया ट्रांसमीटर्स आते हैं जो अच्छे खास रेंज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये मेनली आरसी प्लेन्स और कॉर्ड पर्पस के बनाए जाते हैं। इससे हम लोग वोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और इसके मदद से हम लोग लेफ्ट राइट अप एंड डाउन इसका डायरेक्शन दे सकते हैं। और ये नॉर्मल होते हैं वर्टिकल स्टेबलाइजर्स, ये मेनली प्लेन को स्टेबलाइज करने के लिए होते हैं। अभी 5th जनरेशन और 6th जनरेशन में इसका इस्तेमाल कम ही किया जाता है, बस डायरेक्शन लेफ्ट एंड राइट रनवे पे ही होता है, ऊपर उतना इनका इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ राइट एंड लेफ्ट एंड राइट होता है। और ये लेकिन मैन्यूवरिंग के लिए और फाइट कॉम्बैट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन सिर्फ हम एक बेस मॉडल बनाते हैं इसलिए हम लोग इसमें ऐड नहीं कर पाए वो एक्स्ट्रा सर्वोस वगैरह। और बाकी इसमें एक्स्ट्रा स्विचेस भी हैं जिससे हम लोग मिसाइल्स वगैरह। इसमें जो आपने नीचे लगाया होगा थोड़ा दिखाना सर्किट उसका। ये इसका रिसीवर है, इसमें 6 चैनल्स हैं और 2 ड्रोन जो ड्रोन का आता है ना, वो ड्रोन ये मेनली क्वाडकॉप्टर्स के लिए होते हैं, आप किसी भी तरह क्वाडकॉप्टर बना सकते हैं उससे। इलेक्ट्रिक प्लेन्स का ये मेनली मेन फंक्शन है, मतलब मदरबोर्ड के टाइप का ये। और ये इसका ESC इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर है जिसकी मदद से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका मोटर का वायर ये है, ब्रशलेस मोटर है। नहीं, कंट्रोल तो इससे होता है, ये चाहिए बस रिसीवर का फंक्शन बताता है ये कि हाँ आपको ये फंक्शन करना है, ये इसका स्पीड कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, स्पीड कंट्रोल है। हाँ, और मैंने सुना है कि इसके बारे में कि ये जब मैंने ड्रोन पर काम किया था एयरटेल में तो यहाँ पर ये जो मोटर है ना ये अपना सीधा एसी भी काम करता है ना। हाँ, जो आपका जो मोटर लगाया ना पीछे वो एसी भी काम करता है। ये इसका ये जो स्पेशली काम ये रहता है कि ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, यानी कि आपका जो पीछे मोटर है ना वो एसी से कंट्रोल होता है। बताया था मेरे को इंजीनियर ने, इसने पूछा। तो इसका जो नाम है ना, थोड़ा दोबारा इसको ओपन कीजिए, इसका नाम क्या है इस फंक्शन का? ESC नाम है इसका, ESC। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल ESC होता है। हाँ, वही, क्योंकि हमने जो ड्रोन पर काम किया था ना।